दोस्तों आज का प्रोजेक्ट तीन कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होने वाला है और ये जो स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे BT136 ट्रांजिस्टर है, जिसकी पहली पिन है T1 और दूसरी T2, तीसरी गेट, और ये है ऑप्टो कपलर जिसकी पिन 1, 2, 3, 4 के बारे में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ऑप्टो कपलर की पिन 1, 2 एनोड और कैथोड, पिन 3 एमीटर और पिन 4 कैथोड कलेक्टर होती है। तो ये जो है 220 ओम का रजिस्टर हम इसमें यूज़ करेंगे सर्किट में, और ये है 547 ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर है। पहली पिन कलेक्टर है, बीच वाली पिन जो दिख रही है वो बेस है, और लास्ट वाली पिन जिसमें मैंने उसको पकड़ कर रखा वो एमीटर है। तो ये 547 है, इसमें भी पिन वही है, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो पहली पिन कलेक्टर होती है और लास्ट वाली पिन जो है वो एमीटर, और जो बीच में आपको पिन दिखती है वो बेस पिन होती है। ये है 6 वोल्ट 5.5 एम्पियर के बल्ब है जो AC DC दोनों से चल जाते हैं, और इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। कुछ वायर आपको लगेंगे तो मैंने पहले से कट कर लिए क्योंकि एक बार मैं सर्किट बना के चेक कर चुका हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे BT136 से सर्किट बनाना। तो BT136 की जो गेट वाली पिन है उसमें हम ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम 220 ओम रजिस्टर का यूज़ करने वाले हैं, 220 ओम रजिस्टर। तो इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 में इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन अच्छा होना चाहिए नहीं तो हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। इसके बाद में हम पहला ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे जो कि कोई सा भी हो सकता है, 547 भी हो सकता है, 548 भी हो सकता है। तो इसकी जो कलेक्टर वाली पिन है वो हम ऑप्टो कपलर से कनेक्ट करेंगे। ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 2 है वो, जहाँ से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसको हम कनेक्ट करेंगे पहले ट्रांजिस्टर की बेस पिन से, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसकी एमीटर पिन होगी, और जो हमने दूसरा ट्रांजिस्टर है उसकी जो कलेक्टर वाली पिन है हम उसको ऑप्टो कपलर से कनेक्ट करेंगे, जो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 है। इसके बाद में हम जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसकी एमीटर वाली जो पिन थी उसको हम कनेक्ट करेंगे BT136 की टर्मिनल 1 वाली पिन में, और सर्किट को पावर देने के लिए हम इसमें पावर सप्लाई इनपुट के लिए वायर कनेक्ट करेंगे। तो मैंने 2 ब्लू कलर के इनपुट वायर कनेक्ट करे, एक इनपुट होने वाला है AC का और एक इनपुट होने वाला है DC का। तो ये जो येलो कलर का वायर है ये इसमें हम DC पावर सप्लाई का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसको हम ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 में कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद में हमने इसमें जो लोड बनाया था 12 वोल्ट का, तो वो हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल 2 वाली पिन BT136 वाली ट्राइक में। तो इसमें हम पावर सप्लाई देने वाले हैं 9 वोल्ट का, DC 9 वोल्ट का। तो पॉजिटिव में येलो वाला वायर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव में ब्लू वाला वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये इनपुट होने वाला है सर्किट के लिए जो ऑप्टो कपलर ट्रांजिस्टर वगैरह को चलाएगा, और जो ट्राइक है उसको स्विच करेगा जो DC पावर सप्लाई है। लेकिन जो ट्राइक है वो AC को स्विच करेगा, क्योंकि ट्राइक हमेशा AC को स्विच करते हैं क्योंकि ट्राइक AC के लिए बना होता है। तो हमने इसमें 909 ट्रांसफार्मर लिया है जो 230 वोल्ट को 909 में स्टेप डाउन करेगा, 9 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा। तो उसकी येलो वाली वायर में आपने देखा होगा कि 8 वोल्ट आ रहे हैं, और जो ग्रीन वाली वायर है उसमें 16 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये AC वोल्ट है, हमने डायरेक्ट 230 वोल्ट नहीं लिए क्योंकि उसमें हमको करंट लग सकता है। तो हमको काफ़ी सुरक्षित प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसलिए मैंने इसमें स्टेप डाउन का यूज़ किया है। आप इसमें ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ नहीं कर सकते हो, और आपको ये सर्किट बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो आप इसमें संभल के रहिए। तो आप देख सकते हो AC के वायर, मैंने दोनों जो ब्लू वायर थे वहाँ पे मैंने AC का इनपुट किया है। तो एक जो ब्लू वायर था वो हमारे बल्ब में लगा था, और एक जो दूसरा वायर ब्लू वाला था वो हम डायरेक्ट उसमें कनेक्ट कर रहे हैं AC में। ये 230 वोल्ट AC नहीं है, ये स्टेप डाउन करा हुआ है, तो इसको आपको संभल के कनेक्ट करना है। तो DC इनपुट भी हो गया है, AC इनपुट भी हो गया है। AC इनपुट अभी हमारा 8 वोल्ट का है, और इस प्रकार से हमारा सर्किट काम कर रहा है। जैसे ही हम पहले ट्रांजिस्टर की बेस पिन को टच करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, क्योंकि इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है, इसमें हाई गेन किया है। जो ऑक्टो कपलर है वो BT136 को सिग्नल देता है, और जो BT136 के अंदर जो AC पावर सप्लाई है उसको वो ट्रिगर कर देता है। तो जैसे ही हम जो दूसरा ट्रांजिस्टर की बेस पिन को टच करते हैं तो हमारे जो हमने जो लोड वाला कनेक्ट करा है बल्ब वो जलने लग जाते हैं। अभी हम इसमें इसके वोल्टेज बढ़ा देते हैं क्योंकि बल्ब का लाइट इतना कुछ खास नहीं आ रहा है, तो हम इसको 18 वोल्ट पे कर देते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर कम एम्पियर की वजह से बल्ब फ्यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि बल्ब 12 वोल्ट से ऊपर में फ्यूज़ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी फ्यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर की एम्पियर काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा सर्किट काम कर रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और पसंद आ भी रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए।
और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो आपने पूरा देखा, अंत देखा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।